सो गाइस अभी के टाइम पे जो इस टाइप के इंस्टाग्राम रील जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो गाइस अभी नया ट्रेंड आया और अगर आप लोग इस पे वीडियो बनाओगे तो आपके वीडियो के वायरल होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बस गाइस आप लोगों को जो स्टेप मैं बताऊंगा आपको वैसे ही सेम फॉलो करना है। बस आपको करना क्या है, जल्दी से आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे जितना हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे टाइप करना है ANH, उसके बाद लिख देना आपको आईफोन कैपकट टेम्पलेट। इतना जैसे ही लिख दोगे गाइस आप लोग तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। बट गाइस जो ट्रस्टेबल जो लिंक है उसके ऊपर आपको क्लिक करना, जो कि सेकंड नंबर आपको दिख रही होगी गाइस। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो गाइस आप लोग जो है इसके अंदर एंटर हो जाओगे वेबसाइट के अंदर। तो वेबसाइट के अंदर एंटर हो जाने के बाद आप लोगों को फिर करना नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है एंड उसके बाद आप लोगों को यूज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक कर दोगे तो गाइस डायरेक्ट जो है आपके कैपकट ऐप में ओपन हो जाएगा। एंड गाइस आप लोगों को बस VPN कनेक्ट करके रखना है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। बाकी गाइस अगर आपके पास अपडेटेड वाला कैपकट टेम्पलेट नहीं है तो मेरे टेलीग्राम से जाके आप लोग ले लेना, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी आपको यूज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। यूज टेम्पलेट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको फोटो जाना है फोटोज वाले ऑप्शन में एंड यहाँ से आप लोग अपनी कोई भी एक बेस्ट सी फोटो आपको सेलेक्ट कर लेना जो आपकी फेवरेट हो। तो यहाँ पे मैं फटाक से सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन आपको बताता हूँ उसके बाद आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब गाइस देखिए यहाँ पे जैसे आप इसको प्रीव्यू के ऊपर टैप करोगे तो गाइस वीडियो का जो साइज़ होगा गाइस वो काफ़ी मतलब कि जो मतलब यूँ मान लो कि छोटा साइज़ में है गाइस, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, 9:16 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो पहले हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं एक बारी। तो एक्सपोर्ट कर लेने के बाद गाइस आप लोगों को फिर क्या करना है उसके बाद का प्रोसेस बताता हूँ। पहले हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है गाइस। अब आप लोगों को करना क्या है गाइस, देखिए आप लोगों को सबसे पहले इसे बैक चलना है, ठीक है। बैक चलना यानी कि आपको बिल्कुल एकदम जो कैपकट का जो होम स्क्रीन है वहाँ पे जाना है, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको करना है कि आप लोगों को सिंपली यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर टैप कर देना है। यहाँ से गाइस आप लोग अपना अपनी उसी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने अभी एक्सपोर्ट करी है। फिर उसके बाद गाइस आप लोग को करना है कि यहाँ पे प्रीव्यू जो ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड के ऊपर जैसे आप क्लिक कर दोगे तो उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो है वीडियो के ऊपर एक बार टैप कर देना है। वीडियो के ऊपर जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। बट यहाँ पे आपको गाइस फ्रेम करके एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैंने गलती से यहाँ पे फ्रेम के ऊपर टैप कर दिया। यहाँ पे अब आपको इसको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। लेयर को आपको सिलेक्ट नहीं करना है, लेयर को हटाओ। अब यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे रेशियो पे चले जाना है। रेशियो पे जाने के बाद आपको 9:16 मिल जाएगा, ठीक है। इस पर चले जाना है, यहाँ पे आपकी जो है वीडियो इसको जूम कर लेना है एंड आपकी वीडियो यहाँ पे फाइनल एडिट हो जाएगी। तो गाइस आज की हमारी वीडियो यहीं थी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।